हम आगे रखेंगे उसको। देखिए हम यहाँ पहले बता दें कि हम अपनी इज्जत में कोई इजाफा करने नहीं आए यहाँ पे। हम आप लोग मीडिया वाले और हम लोग भी जानते हैं हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम अपनी बहनों के लिए जो हाथरस में हुआ और जो आदमगढ़ में हुआ और आप बलरामपुर में हुआ, आप देख रहे हैं, आप लोग इस पर गौर करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस में ये इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना काल चल रहा था, कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, ऐसी रेपिस के मरीज बढ़े जा रहे हैं, रेपिस बढ़े जा रहे हैं इस हिंदुस्तान में। ऐसा क्या हो रहा है? मैं आप लोगों के माध्यम से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा और मुहिम चलाई थी, ये बेटी को बचा तो पा नहीं रहे, उनको पढ़ेंगे खाक? ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसा कब तक करेंगे? इनकी जालिम हुकूमत कब तक ऐसा करेगी? मेरा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से ये कहना है कि इस स्टेट में इस ये जो सरकार है इसको बर्खास्त किया जाए और इसको फौरन हटाया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस मुहिम को लगातार चालू रखेंगे। और मेरा एक सवाल यहाँ के सांसद सतीश गौतम से है कि वो एसटी और एससी के मुद्दे को हमेशा सांसद में फेक तरीके से उठाते हैं, क्या अभी तक उनका कोई बयान आया है? क्या वो यहाँ की बहन जो हाथरस की जिसपे जो पीड़ित हुई और इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्या उस पर कुछ बोलेंगे? वो इस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उस पर इन्हें इस मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम की सियासत को छोड़ने और रोटी सेकने का काम और मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए वो लोग उस पर नहीं बोलेंगे। और मैं दुख के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के वजीर आजम और यूपी के चीफ मिनिस्टर, इनकी तो औलाद है नहीं, इसलिए इनको दुख नहीं हो रहा है। अगर इनकी बेटियां होती तो इनको इनके कलेजे पे दुख होता और ये चीख पुकार के बोलते और इनके लिए ये बोलते, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन लोगों की माओ की हाय इन लोगों पे पड़ेगी और जल्द से जल्द तख्त नाबूद होंगे इंशाल्लाह ताला।